इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे, ये इसराइल में एक ऑस्पिशियस दिन था। आज के दिन तोरा पढ़ा जाता है, जो जूडिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट होली टेक्स्ट है। और इसी दिन हमास ने 5,000 रॉकेट्स के साथ इसराइल पर हमला किया और इसराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। कोहोत हमास פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. सारे सिटीजंस को बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर छुपने के लिए कहा गया है। कई रॉकेट्स इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई है और 1,500 से ज्यादा इंजर हुए हैं और अनगिनत लोगों को एज अ हॉस्टेज लिया गया है। थिंग्स आर वर्स देन दे लुक ऑन द न्यूज़। द इमेजेस दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन or too graphic to be shared on the news. सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहां एक इजरायली मिलिट्री की महिला को कैप्चर किया गया है, उन्हें मारा गया है और उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड किया गया है। इस अटैक का नाम है अल अक्सा स्टॉप। ये है मोहम्मद दीफ, जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर है। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टिनियंस को इसराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा। वो कहते हैं इनफ इज इनफ, बट व्हाट डज ही मीन। ये पूरा सिचुएशन काफी ट्रेजिक है और काफी डेंजरस भी। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इसराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम भी किया है। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आया है और हर कुछ महीनों में वायलेंस की खबरें आती रहती हैं, लेकिन वॉर इस शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले कुछ समय से मैं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ की इनसाइट्स मिले और आज के इस वीडियो में यही इम्पोर्टेंट बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ पाएंगे कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट हो। ये वीडियो हमारे बाकी वीडियो से अलग होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का यही पर्पज है कि आपको ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ी गहराई में जाकर कॉन्टेक्स्ट बताकर इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आप बैकग्राउंड समझे, आपको एक पर्सपेक्टिव मिले और फिर आपके ओपिनियंस खुद बना पाए। आपके ओपिनियन शायद मुझसे अलग हो सकते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इस मुद्दे के बारे में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमास है क्या। आज की घड़ी में इजराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इसराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कई टेरर आउटफिट्स इसराइल पर अटैक करने के लिए करता है। क्या इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? यह है गाजा स्ट्रिप, जो इसराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इस एरिया को कंट्रोल करते हैं हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई और देशों ने भी उन्हें एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना, और इसमें सिर्फ ये पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं, पूरा इसराइल और पैलेस्टाइन शामिल है। जहां अरबिक में इस शब्द का मतलब ब्रेवरी है, हिब्रू में इसका लूजली मतलब है वायलेंस। साफ साफ देखा जाए तो हमास इसराइल को नक्शे से मिटाना ही चाहता है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटेम्प्ट्स जारी है। 1980 से लेकर आज तक उन्होंने किए सारे टेरर अटैक्स का डेटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक्स का डेटा अवेलेबल है। इन टोटल 1,000 से ज्यादा लोग हमास के अटैक्स से या तो इंजर हुए या मारे गए। सोचिए, ये इतना छोटा सा देश, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में जीते। इसीलिए इसराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या है आयरन डोम? 2011 में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर नुकसान करने से पहले मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स, रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट्स लॉन्च होता है, तब ये सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रेजेक्ट्री मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल्स छोड़े जाते हैं, जिनसे गाजा से आने वाले इन मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया जाए और रोका जाए। 2012 में
गाजा के अगेंस्ट इसराइल की जो वॉर हुई उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया और जाने बचाए। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस है और ये बात हमास जानता है। फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट्स लॉन्च, ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये युद्ध का ऐलान है। और ये दिन भी काफी स्पेशल था क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले भी इसराइल पर अटैक हुआ था। इस अटैक की डेप्थ, इम्पोर्टेंस और आने वाले टाइम में होने वाला इम्पैक्ट समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री जानना इम्पोर्टेंट है। ये अटैक 1973 की योम किप्पुर वॉर की याद दिलाता है। तब फाइट किसी टेरर आउटफिट से नहीं, इसराइल के सराउंडिंग अरब देशों से थी। इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर 6 अक्टूबर 1973 को अटैक। ये दिन स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये दिन ज्यूइश होली दिन योम किप्पुर का था। इस दिन ज्यूइश लोग एक 2000 साल पुरानी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। इस दिन लोग सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं और एक दूसरे को चीयर्स नहीं कहते, उसके बजाय कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन जेरूसलम। इसी दिन इसराइल पर होने वाला अटैक उनके लिए एक मैसेज था। इस वॉर में अरब देशों को सोवियत रशिया का सपोर्ट मिला और इसी पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया। हिस्टोरिकली अमेरिका यही करता आया है, हर वॉर में एक काउंटर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता आया है। इस वॉर में जीत इसराइल की हुई बट एट अ हाई कॉस्ट। 2600 से ज्यादा सोल्जर्स की जाने गई और 12000 लोग इंजर हुए। इसराइल 1948 से लेकर आज तक इतनी सारी वॉर्स लड़ चुका है, आप वीडियो को पॉज करके इनके नाम पढ़ सकते हैं। लेकिन 1973 की ये वॉर काफी स्पेशल थी क्योंकि अरब देशों को पता चल गया कि इसराइल को डिफीट करना पॉसिबल तो है, अमेरिका का सपोर्ट ना मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता। वापस आते हैं प्रेजेंट पर। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया। अल अक्सा के बारे में जानते हैं। ये है जेरूसलम, दुनिया की सबसे होलीएस्ट जगहों में से एक। इसका जूडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म्ड फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक में इस साल इजरायल ने कई रेड्स की और इनमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये 200 लोग कौन थे। इसराइल मानता है कि ये 200 लोग मिलिटेंट्स थे या फिर मिलिटेंट्स के साथी थे। इसराइल जब भी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थरबाजी होती है। इसराइल के साइड से कहते हैं कि रिटेलिएशन में जानी जाती है और पैलेस्टिनियंस मानते हैं कि इसराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। एज अ रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज्यादा लोग और इसराइल के साइड पर 30 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ आर्ग्यूमेंट हमेशा यही होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने। इसराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर जाते हैं, और पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। कौन सी साइड पर विश्वास करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप स्मार्ट हैं और आप आपके इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस खुद बना सकते हैं। यहां तक सारे फैक्ट्स हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, आप आपका खुद का रिसर्च करके उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई बिलीव आज के डे एंड एज में सबको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इवन मुझ पर भी नहीं। सबको अपने ओपिनियंस खुद बनाने चाहिए। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। यू सी, गाजा स्ट्रिप हर साइड से घिरा हुआ है, उन्हें इजराइल से मदद मिल नहीं सकती, तो दो ही ऑप्शंस है, एक तो इजिप्ट उन्हें मदद कर रहा है या फिर कोई और। ये 5000 रॉकेट्स, इतने सारे वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे। सच तो यह है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अमेरिका उन्हें एड देता रहता है, लेकिन शायद ये एड का पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, उनसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इन दी एंड ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इसका भारत पर कैसा इम्पैक्ट होगा। ये समझने के लिए हमने पिछले महीने जो G20 का वीडियो बनाया था वो हमें वापस रिविजिट करने की जरूरत है। G20 समिट इस साल का काफी इम्पोर्टेंट इवेंट था, इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ जिसमें हमने इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर की बात की। इसराइल की लीडरशिप भी मानती है कि ये हमारे इतिहास का लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं, ग्लोबल लेवल पर। लेकिन हो सकता है कि हमास के इस अटैक के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाए क्योंकि ये रूट कुछ ऐसा दिखता है और ये मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता है। अगले कुछ सालों के लिए अगर ये पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो यहाँ पर कोई भी मेजर प्रोजेक्ट शुरू करना डिफिकल्ट होगा, कोई भी बड़ा देश इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और अगर रूट बन भी गया तो फिर वो ट्रेड के लिए सेफ नहीं होगा। प्लस अब सऊदी अरेबिया एक ट्रिकी सिचुएशन में आ जाती है क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है और अब धीरे धीरे उनके इसराइल से कनेक्शन अच्छे बन रहे थे, वो किसको सपोर्ट करेंगे।
इसराइल को या फिर पैलेस्टाइन, उनका कोई भी एक्शन एक साइड से रिलेशंस खराब करेगा जरूर। इतना बड़ा अटैक वर्ल्ड लीडर्स को कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए फोर्स जरूर करता, और सऊदी अरेबिया का स्टांस भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर प्रशांत धवन सर ने काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, आई वुड हाईली रिकमेंड आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। इसराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी तरह का इंस्टिगेशन बिल्कुल सहन नहीं करता, एक्शन लेने से नहीं कतराता, और इसमें कोई भी लीडर कभी भी पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाता। इसराइल के ऑपोजिशन लीडर ने भी पूरी तरह से सरकार को अपना सपोर्ट दिया है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो पॉलिटिक्स बीच में कभी नहीं आना चाहिए, ये बात भारत के लीडर्स को सीखनी चाहिए। इन दी एंड हमें ये समझना जरूरी है कि वॉर एक काफी डेंजरस सिचुएशन होती है। कुछ महीनों पहले हमारी एक इंडियन जू से बात हो रही थी, उनका अक्सर इसराइल जाना होता रहता। वो कहते हैं कि मिसाइल अटैक्स काफी कॉमन हो चुके हैं, जब भी मिसाइल अटैक्स होते हैं तो साइरन्स बजते हैं और फिर उन्हें सब काम छोड़कर बंकर्स में जाना पड़ता है। इसराइल के लोगों के लिए वॉर लाइक सिचुएशन काफी कॉमन हो चुकी है, और ये काफी सैड बात। ऐसी बातें सुनने पर हमें समझता है कि हम कितने लकी हैं कि हम वॉर से दूर हैं। इस पूरे सिचुएशन में कोई भी दो साइड्स नहीं है। Nothing can justify 5,000 rockets being fired. ये एक काफी बड़ा टेरर अटैक, क्योंकि ये rockets जब भी किसी बिल्डिंग को हिट करेंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ जान ले एक रॉकेट एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको इनडिस्क्रिमिनेटली अपना निशाना बनाते हैं। टेरर cannot be justified. Not in Israel, not in India, nowhere in the world. और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस चैनल पर हम किसी भी टेरर आउटफिट को इतना सा भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वायलेंस की हमेशा निंदा करेंगे और वॉर को बढ़ावा नहीं देंगे। वॉर इज डेंजरस फॉर ऑल, क्योंकि एक वॉर इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट करती है, आपके और मेरे डे टू डे लाइफ पर भी इम्पैक्ट करती है। सप्लाई चेन टूट जाती है, चीजें महंगी होती हैं, शॉर्टेजेस पैदा होते हैं, कोलैटरल डैमेज बढ़ता है, जियोपॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी आपके और मेरे लाइफ में भी अनस्टेबिलिटी लाती है। ये एक सच। दुनिया के बारे में इंफॉर्म्ड रहना इंपॉर्टेंट है, अपने ओपिनियंस खुद बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वॉर मॉन्गरिंग करना हम सब के लिए हानिकारक, क्योंकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक वॉर का इंपैक्ट हम सब पर होता है। आई होप कि हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि हमारा ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू समझ पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपको हमारे आसपास की दुनिया का हाल बताने से मुझे पता पड़ा।